कम चीजें ऐसी हैं प्रकृति में जो वात पित्त कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे। वात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल। तेल, तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं, तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा समभाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल। अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा 3500 साल पहले, आज के विश्लेषण में अगर हम ध्यान दें तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब नॉन रिफाइंड तेल, नॉन रिफाइंड तेल। अगर आप तेल खा रहे हैं तो बाघभट्ट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाइए, माने रिफाइंड तेल मत खाइए, डबल रिफाइंड तेल मत खाइए। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं, डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ, डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हृदय घात नहीं आएगा वगैरह वगैरह। ये जो रिफाइंड तेल है मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है, आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में, भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता। भगवान का बनाया हुआ माने प्रकृति का दिया हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके, एक भी केमिकल दुनिया में नहीं। जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेके जाता है। आज की दुनिया में मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जितने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए। भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है, जिंदगी भर, तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकित्सा वो बोलते हैं वो तेल का ही है। वो कहते हैं शुद्ध तेल खाइए, शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल। अब आपके मन में 2 प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है, हां सीधा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और बास अलग से आती है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों की मदद से काम किया, एक तरह से कहें रिसर्च किया, तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में बहुत कुछ होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया ना, मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसे तेल में भी है, हर चीज में है। तो तेल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसका चिपचिपापन ही है, और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा, तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं, वो हिस्सा ही गायब हो गया। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है, बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है, तेल में प्रोटीन बहुत है। जैसे आपने सुना है दालों में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा है, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ। दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है। तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है, वो बास जो है ना उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए। 4-5 तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है। अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब।
अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा, वो पानी है एक तरह से। इसलिए भागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं, तो वात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े। और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग। ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये वात के तो रोग है ही। सबसे खतरनाक वात का रोग है हार्ट अटैक, हृदयघात। सबसे खतरनाक वात का रोग है पैरालिसिस। सबसे खतरनाक वात का रोग है ब्रेन का डैमेज हो जाना। तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिंदगी में है, इनमें वात के खत्म हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए। आज से 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है। ये पिछले 20-25 वर्षों में आए हैं रिफाइंड तेल। कुछ कंपनियां निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां, दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया। रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, किसी ने माना नहीं, तो डॉक्टरों से कहलवाया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया। जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि भैया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना, ये वाला तेल लाना, वो वाला तेल लाना, अलग अलग ब्रांड के है ना, सफोला ले आना, सनफ्लावर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया, खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को, जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सफोला से आपका क्या रिश्ता है, जो आप हर मरीज को कहते हैं तेल सफोला का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना।